तो आ गया रिकॉर्ड नई वीडियो के साथ वापिस। तो गाइज अगर आप अपने वीडियोस को 24 घंटे के अंदर यूट्यूब पर रैंक कराना चाहते हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहना। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक कमाल की ट्रिक शेयर की है जिससे जो है आप अपने यूट्यूब वीडियो को 24 घंटों के अंदर रैंक करा सकते हो। तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को प्रूफ बताते हूँ। यहाँ पर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया है फेसबुक गेमिंग पेज कैसे बनाए, इस कीवर्ड पर मेरी वीडियो फर्स्ट नंबर पर आ रही है। अब मैं सेकंड कीवर्ड सर्च करता हूँ न्यू टैब में यूट्यूब ओपन करके, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रिंग लाइट फॉर यूट्यूब। अब इस वीडियो को मैंने एक दिन पहले ही बनाया था यानी कि 24 आवर्स पहले बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड नंबर पर मेरी वीडियो रैंक हो रही है। उसके बाद मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बताता हूँ जिसके लिए मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट अफिलेट मार्केटिंग अकाउंट कैसे बनाएं। तो इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद भी मेरी वीडियो थर्ड नंबर पर आ रही है और आप लोग इस पर व्यूज़ दे सकते हो कि 8000 से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आ चुके हैं। तो अगर आप भी अपने नए चैनल के या पुराने चैनल के वीडियोस को रैंक कराना चाहते हो जल्दी से तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहना। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ एक कमाल की ट्रिक शेयर की है तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखते रहना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल का एनालिटिक बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर जो व्यूज़ है वो कहाँ से आते हैं। तो मैं आ जाता हूँ एनालिटिक पे आने के बाद जो एनालिटिक है लास्ट 20 डेज़ का है, मैं आ जाता हूँ रीच वाले सेक्शन पे आने के बाद जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो ज़्यादातर ट्रैफिक है यानी कि 72.3% ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आता है कि मेरी वीडियोस रैंक होती है इसलिए मुझे जो ज़्यादा ट्रैफिक यूट्यूब सर्च से आता है। और जितनी हमारी वीडियो रैंक करेगी उतने ज़्यादा न्यू विजिटर हमारे चैनल पर आते रहेंगे। उसके बाद अगर मैं इसे लास्ट 7 डेज़ का कर दूँ एनालिटिक तो लास्ट 7 डेज़ में भी 71.9% मेरा वीडियो जो है यूट्यूब सर्च में जा रहा है यानी कि मेरी वीडियोज़ रैंक होती है तभी मुझे जो यूट्यूब सर्च से ट्रैफिक आता है। तो आप लोग कैसे अपने वीडियोज़ को रैंक करा सकते हो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो भी मैं प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा ये सारी प्रोसेस आप अपने मोबाइल से भी फॉलो कर सकते हो। बस आपको अपने मोबाइल में यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। YouTube स्टूडियो ओपन कर लेने के बाद आपको आ जाना है एनालिटिक पे। तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एनालिटिक पे। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एनालिटिक पे। एनालिटिक पे आने के बाद आपको लास्ट 20 डेज़ का ही एनालिटिक सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है रीच पे। जैसे आप जो रीच वाले ऑप्शन पे आओगे, रीच वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको आ जाना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यानी कि टैग्स मिल जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है वो अगर मैं आपको डीप में समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि लोग कौन कौन से टैग्स को सर्च करके आपके वीडियो पे आ रहे हैं यानी कि ये सारे टैग्स आपके रैंक हो रहे हैं। अगर आपको इसको प्रूफ चाहिए तो इस कीवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं न्यू टैब में यूट्यूब को ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ यूट्यूब को। यूट्यूब ओपन करने के बाद जो कीवर्ड हमें यूट्यूब बता रहा था कि ये कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है उस कीवर्ड को मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थर्ड नंबर पर मेरी वीडियो आ रही है। तो यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर वीडियो आ रही है, इस पर कंटिन्यू अभी व्यूज़ भी मुझे मिलते हैं। जैसे भी कोई यूज़र सर्च करेगा वो हमारी वीडियोज़ के थंबनेल को देखेगा, अगर हमारी वीडियो का थंबनेल अच्छा है हमारी वीडियो रैंक कर रही है तो हमें सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे और वहीं से हमारे व्यूज़ भी मिल जाएंगे। और ये जो हमारा वॉच टाइम इसका होगा, वॉच टाइम वो जेन्युइन तरीके से हम बढ़ा रहे तो हमारा वॉच टाइम भी इससे काउंट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड कीवर्ड है जो कि हाउ टू मेक 8D ऑडियो इन एंड्रॉयड, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस से न्यू टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे YouTube सर्च करता हूँ। YouTube सर्च करने के बाद उस कीवर्ड के यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी वीडियो ये सेकंड नंबर पर आ रही है और आप लोग इसका व्यूज़ देख सकते हो 1,60,000 से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आ चुके हैं। तो यहाँ पर जितना आपकी वीडियो रैंक करेगी उतने न्यू विजिटर आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे। अब जब भी कोई ये वीडियो को देखेगा उसको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और जो न्यू वीडियो मैं डालूंगा उस वीडियो को भी वो मेरे देखते रहेगा। तो ये फ़ायदा होता है जब हमारी वीडियो रैंक होती है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर आपको जो सी मोर पे क्लिक करना है, सी मोर पे क्लिक करने के बाद जैसे आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे जो कि आपके यूट्यूब पर रैंक हो रहे हैं। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट कीवर्ड था फ्लिपकार्ट अफिलेट अकाउंट क्रिएट, तो इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो में मुझे ये कीवर्ड यूज़ करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब मुझे बता रहा है कि ये कीवर्ड आपका रैंक हो रहा है। तो अभी मैं आपको वो भी करके बताता हूँ कि वो कीवर्ड ऐड करने से हमारा टैग रैंक होगा या नहीं होगा या हमारी वीडियो रैंक होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको सी मोर पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे जो कि रैंक हो रहे हैं आपके चैनल पर। अब जैसे कि मेरा फर्स्ट कीवर्ड है फ्लिपकार्ट अफिलेट अकाउंट क्रिएट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो को ओपन करता हूँ। उस वीडियो को ओपन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि इस कीवर्ड को ऐड करने के बाद हमारा वो टैग रैंक होता है या नहीं।
तो यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। अब मैं आ गया हूँ यूट्यूब स्टूडियो में, यहाँ पर ऊपर मैं सर्च कर लेता हूँ अपने फ्लिपकार्ट वाली वीडियो को। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ सर्च बार में और सर्च कर लेता हूँ फ्लिपकार्ट वाली वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे सर्च बार में, सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट। तो जो फ्लिपकार्ट के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी थी फ्लिपकार्ट अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। इस वीडियो को ओपन करने के बाद मैं आ जाता हूँ टैग्स वाले सेक्शन में। अगर आप देखोगे तो इस वीडियो के भी मेरे अच्छे खासे टैग्स रैंक हो रहे, अच्छे खासे का खाली एक टैग छोड़ के बाकी सारे टैग रैंक हो रहे, बहुत सारे फोर्थ नंबर पे, कोई 13 नंबर पे, इस तरह से मेरे टैग रैंक हो रहे। अगर आप नीचे देखोगे, नीचे से सेकंड लास्ट फ्लिपकार्ट अफिलिएट अकाउंट क्रिएट, ये वाला टैग मेरा फोर्थ नंबर पर रैंक हो रहा है और ये टैग मैंने यूट्यूब के सर्च में से ही लिया था जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप लोगों को जो भी रिजल्ट दे रहा है यूट्यूब, आपको उसी टैग में से उस कीवर्ड को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको अपने वीडियो में पेस्ट करना है, जिससे आपका वीडियो का टैग वो रैंक होगा और जब भी कोई यूज़र उस वीडियो को सर्च करेगा, यानी कि उस कीवर्ड को सर्च करेगा, तो आपकी भी वीडियो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद सेकंड हमारा तरीका ये है, यहाँ पर ये वेबसाइट है टैग जनरेटर, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आपको यहाँ पर आ जाना है ऑल कंट्री से इंडिया पे, क्योंकि हम लोग इंडिया के सर्च रिजल्ट को टारगेट करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपके वीडियो का टॉपिक है, आपको आपके वीडियो का टॉपिक को हिंदी में सर्च कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में जो है सर्च होते हैं इंडिया में। आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है फेसबुक पेज कैसे बनाएं। अब जैसे मैं इसको पेस्ट करके एंटर करूँगा, यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है गेट टैग्स का, आपको गेट टैग्स पे क्लिक करना है। उसके बाद ये थोड़ा सा बफरिंग होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे और ये सारे टैग्स अगर आप अपने वीडियो में यूज़ करते हो तो आपके वो सारे टैग्स रैंक होंगे। यहाँ पर जैसे कि फेसबुक पेज कैसे बनाएं मोबाइल से, फेसबुक पेज कैसे बनाएं हिंदी में, अपना फेसबुक पेज कैसे बनाएं, इस तरह के यूनिक कीवर्ड आप लोगों को मिल रहे हैं जो कि ज़्यादातर सर्च होते हैं। तो अगर आप इन सारी कीवर्ड को कॉपी करोगे, अपने वीडियो में जाके ऐड करोगे, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपकी वीडियो रैंक करे। मैंने आप लोगों को अपना ट्रैफिक भी बता दिया कि मेरा ट्रैफिक ज़्यादातर यूट्यूब सर्च से ही आता है, क्योंकि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब के मेटा डाटा को ही देता हूँ, जैसे कि थंबनेल बनाना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग लिखना। जितना ज़्यादा टाइम आप लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग को दोगे, उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि अगर आपकी वीडियो रैंक करती है, तो जब कितने भी साल के बाद अगर कोई यूज़र आके उस वीडियो को सर्च करता है, तो आप जो उस वीडियो से पैसा भी कमा पाओगे और उस एक वीडियो से आपके सब्सक्राइबर भी कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। तो ये वेबसाइट पे आने के बाद आपको एक बार हिंदी में सर्च करना है, हिंदी में कीवर्ड निकाल देने, उसके बाद आपको इंग्लिश में भी सर्च करना है। अब जैसे मेरी वीडियो का टॉपिक है फेसबुक पेज कैसे बनाएं, मैंने हिंदी में सर्च कर लिया, हिंदी में जो जो कीवर्ड थे वो सारे कीवर्ड को मैंने निकाल लिया है। अब मैं सर्च करूंगा इंग्लिश में, जो कि होगा हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इंग्लिश में सर्च करूँगा, इंग्लिश में सर्च करने के बाद जो भी मुझे कीवर्ड मिलेंगे, उन दोनों कीवर्ड को मैं साथ में रखूँगा, उसमें से बाद में मैं ट्यूबबडी का यूज़ करूँगा सर्च करने के लिए कि कौन से कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है। तो जिस कीवर्ड पे जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, उस कीवर्ड को मैं लूँगा अपने टैग्स में और उसको मैं टैग बना के अपने वीडियो को अपलोड करूँगा। यहाँ पर अभी मैं आपको एक और चीज़ सर्च करके बताता हूँ, जो कि है हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे किसी भी कैटेगरी के रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे। अब हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, इस पर मुझे 33 टैग मिल रहे, जिसमें से मुझे कुछ यूनिक टैग्स उठाकर लेने होंगे, जो टैग्स मैं अपने वीडियो में यूज़ कर सकूँगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए, जिससे आप अपने वीडियो को 24 घंटों के अंदर रैंक करा सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक प्रूफ भी बताया कि एक दिन पहले की मेरी वीडियो रैंक हो रही है, और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया था कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर मेरी वीडियो रैंक हुई थी। तो ये दोनों तरीके आप लोग यूज़ कर सकते हो 2021 में अपने वीडियोज़ को रैंक कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।